हाय दोस्तों, वेलकम टू आरडब्ल्यू रिव्यूज। आज के इस वीडियो में ऐसे तीन कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप होली के दौरान करते हो और आपके बालों पे और आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट्स होता है, और इसके साथ साथ इनके सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और उन लोगों तक शेयर करिए जो होली के टाइम पे ऐसे मिस्टेक्स रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, होली खेलने से पहले आपको आपके बॉडी पे अच्छी तरह से नारियल तेल लगा लेना है। आप लगाते नहीं हो, जिसके वजह से क्या होता है, आपके स्किन पे, आपके बालों पे ड्राइनेस, साइड इफेक्ट्स, एक्ने, पिंपल्स जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। सो नारियल तेल एग्जैक्टली क्या करता है, नारियल तेल जब भी आप लगाते हो तो एक लेयर का काम करता है कलर और आपके स्किन के बीच में, और बालों के फॉलिकल्स आपके स्किन के बीच में। तो जो कलर है वो नारियल तेल के ऊपर ही लगता है, और वो नारियल तेल के वजह से एक शील्ड बन जाती है, जिसके वजह से कलर जो है आपके स्किन में घुसता नहीं है, जिसके कारण आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो सेफ, आप स्किन और हेयर के जो भी प्रॉब्लम्स है आप सेफ हो जाते हो। सो नेक्स्ट टाइम नारियल तेल लगाना ज़रूर होली खेलने से पहले, या फिर इस टाइम होली खेलने से पहले नारियल तेल पूरे बॉडी में अच्छे इक्वल अमाउंट में लगा दीजिए। सेकंड, होली खेलने के बाद घर पे आते हो तो आप बोलते हो कि गर्म पानी से नहाना चाहिए ताकि पूरा कलर निकलना चाहिए। नहीं, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी के बदले आप गुनगुना पानी लो, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम लेवल का पानी लो। उसमें थोड़ी सॉल्ट मिक्स करो और देखो कि आपका जो कलर है वो धीरे धीरे कैसे निकल जाता है। और ज़्यादा शैम्पू वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा थर्ड पॉइंट ही है बाय द वे। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा शैम्पू वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा शैम्पू, ज़्यादा सोप लगाने से आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। तो लिमिटेड अमाउंट में शैम्पू लीजिए, लिमिटेड अमाउंट में सोप लीजिए, उसके बदले पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करिए ताकि आपका जो कलर वलर है वो अच्छे से निकल जाए। तीसरी मिस्टेक के साथ साथ एक और एड ऑन मिस्टेक आप लोग होली खेलने के दौरान करते हो कि आप ये करते हो कि जो कपड़े हैं वो बहुत पुराने निकाल लेते हो और उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हो। तो मेक श्योर करें जो भी कबर्ड में पुराना कपड़ा है उसको आप एक बार पानी से निकाल के वॉश करके, एक बार ऐसा झटका मार के उसको सुखा के दूसरे दिन फिर पहनो। बहुत से बार क्या होता है कि कोई भी टी शर्ट आप बहुत दिन के बाद पहनते हो तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जमा हो जाती है, तो स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अब लगने में ये सब प्रॉब्लम्स छोटी मोटी लगेगी, ये क्या RW बता रही है छोटे मोटे चीज़ों के बारे में, बट दोस्तों इन सब से अपने को ही फायदा है, अपने को ही हमारी हेल्थ देखनी है। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से फॉलो करनी होगी। अच्छे से होली खेलिए, होली का आनंद उठाइए, पर साथ ही में थोड़ा अलर्ट भी रहिए। देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। RW रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना एंड हैप्पी होली एवरीवन इन एडवांस। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके मुझे होली के विशेष भेज सकते हो। बाय बाय।